आज मैं लेकर आई हूँ। मैंने अपने बालों के लिए ना आदिवासी हेयर ऑयल परचेज किया है। आजकल है ना हर कोई इसी का ऐड करने लग रहा है। बड़े से बड़ा यूट्यूबर है ना, यूट्यूब पे आप देखेंगे ना बहुत सारी आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी, सब इसी का ऐड कर रहे हैं। तो एक यूट्यूबर के ऐड को देख कर है ना मैंने भी ये तेल परचेज कर लिया। तो मुझे है ना ये वाला तेल इस तरह का रिसीव हुआ है, पर जो मैंने ऐड में देखा था ना वो है ना अलग ही तेल था। वो बड़ी साइज़ की बॉटल में था, पर मुझे ये दो छोटे साइज़ की बॉटल रिसीव हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे साइज़ की बॉटल है, एक बॉटल है ना 125 ml की है, पर जब मैंने उस वीडियो में देखा था ना तो उसमें वीडियो में ना बॉटल का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग था और बॉटल का जो साइज़ था ना वो भी बड़ा था। ये छोटे साइज़ की दो बॉटल मुझे रिसीव हुई है और इसका प्राइस था 500 rupees। तो ये इस तरह का तेल मुझे रिसीव हुआ है। मैंने सोचा इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। जब मुझे ये रिसीव हुआ ना तो मैंने इसकी कई वीडियोस देखी, तो कई लोग इसे फेक कह रहे हैं, कई कह रहे हैं सही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा पहले मैं खुद ही इसे यूज़ करूं, फिर इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसमें कितने इंग्रीडियंट्स डले हुए हैं वो सब इसमें मिल जाएंगे। तो कहते हैं ये 108 हर्ब्स से मिलकर बना हुआ है, पर इसमें है ना 5 से 6 है ना हर्ब्स ही मेंशन किया गया है, ज़्यादा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये तेल जब मैंने परचेज़ किया था ना इसे लगाते हुए मुझे 10 days हो चुके हैं। तो इसका मैं एक बार आपको कलर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इस तरह के रेड कलर का ये तेल है, इसमें ना हर्ब्स की स्मेल आती है। कई लोग कहते हैं ये तेल नहीं है, पानी है, तेल ही है। ये नॉर्मली तेल मुझे लगा क्योंकि 10 days मैंने इसे यूज़ किया और फिलहाल मुझे अभी अपने बालों पर तो कोई भी इसका इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है। तो अगर आपने ये तेल परचेज कर लिया है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस तेल से शायद बाल बड़े होंगे या नहीं होंगे, या बालों की ग्रोथ अच्छी होगी नहीं होगी, मैं सब कुछ नहीं कह सकती और ना ही मैं आपको इसे परचेज करने के लिए भी सलाह दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।